हरिओम प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ आज का राशिफल लेके 1 जुलाई 2024। आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नवग्रह आपको आज क्या रिजल्ट देंगे, आपके जीवन में जो ग्रहों में परिवर्तन होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के दिन, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो सूर्य की बात करें तो ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर करेंगे। सुबह 6:25 तक ये अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और 6:25 के बाद फिर ये भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मंगल की बात करें तो मंगल मेष में गोचर कर रहे हैं, बुध मिथुन में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज भी मिथुन में बुध के राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि कुंभ में ही, राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। ये तो ग्रह स्थितियाँ हैं, परंतु विशेष रूप से हमें यह समझना है कि चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप दाम्पत्य हों, आपकी मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, आप विद्यार्थी हों, किसी भी तरह की आपकी स्थितियाँ हैं तो आपके जीवन में आज क्या बदलाव होगा, इसे गहराई से समझना है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज चंद्रमा मंगल के साथ गोचर करेंगे, युति करेंगे और आपके कर्म भाव में ही गोचर करने वाले हैं, आपके लग्न से हैं, आपके राशि से हैं। आज का दिन आपके जीवन में कहा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएँ थी, बहुत सारे जो तनाव थे, तो चिंताओं को खत्म करने वाला दिन कहा जा सकता है। आज के दिन आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ, मैं अब धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहा हूँ जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था। आज का दिन आपके कर्म के लिए, आपके जॉब के लिए, करियर के लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप अपने करियर में आज अपने बॉस के सामने, लोगों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन कर पाएंगे। आप लोगों को बता पाएंगे कि हाँ, आपकी जो कार्यशैली है, करने का तरीका है, वो बहुत यूनिक है और आप अपने जीवन में इस कार्यशैली के द्वारा बहुत कुछ बदल सकते हैं। आज देखा जाए तो आपके जो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, आप व्यापारी हो या जॉब करते हो या प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हैं, तो आज धन लाभ की स्थिति होगी, आज धन आगमन की स्थिति बनने वाली है। दाम्पत्यों की मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में भी आज कहीं ना कहीं स्थितियां ये बन रही हैं कि आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, पहले जो वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, वो अब दूर हो रहा है। आज के दिन आपस में प्रेम में वृद्धि होने वाली, तो दाम्पत्यों के लिए और लव पार्टनर के लिए आज का समय श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन है तो अच्छा, परंतु संघर्ष भी साथ में रहने वाला है। आज थोड़ा आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होने वाली है। यानी कि कहा जाए, यदि आप टाइम पास नहीं करते, आलस्य नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा समय देते हैं 100%, तो आपको आज सफलताएं मिल सकती हैं। आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन, स्वास्थ्य में जो समस्याएं थी, खासकर यदि कफ कोल्ड की समस्याएं थी या मौसम की बीमारियां थी, उनसे आपको निजात दिलाने वाला समय साबित हो सकता है। परंतु आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल भी ये नहीं कोशिश करेंगे कि जो आपने पहले गलतियां की हैं उन्हें दोहराएं। आज अपने फ्यूचर को तो देखना ही है, परंतु पास्ट को देखते हुए आगे क्या कैसे करना है, इसकी प्लानिंग और उसके अनुसार एक्शन भी आपको लेना होगा। साथ में देखा जाए तो आप विशेष रूप से ये कर सकते हैं कि बड़ों का सम्मान करिए, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए और अपने माता का भी आशीर्वाद लीजिए। बड़ों का सम्मान करना आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा।
और ये भी एक उपाय ही है कि आज बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों का सम्मान तो हमें हमेशा करना चाहिए, परंतु आज विशेष रूप से माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपकी जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, यदि दोनों को जानते हैं तो दोनों की आराधना करें, नहीं तो आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और देखा जाए तो आज का दिन तो ठीक है, आज कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। परंतु यदि कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि ये पर्सनल जन्म कुंडली का भी अपना महत्व होता है, तो ये आप गोचर के आधार पर सुन रहे हैं, तो यदि जन्म कुंडलियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपको दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये उपाय करने से स्थितियां काफ़ी हद तक सुधरेंगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली में अवश्य चेक किया करिए कि आज की क्या स्थिति है। उसके लिए आप प्राण दशा में जा सकते हैं अपने, तो प्राण दशा में जब जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लियर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कमेंट में अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम लिखिएगा, या तो जय माता जी लिख सकते हैं, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।